हमने इस टावर से, उधर भी एक पहाड़ है बहुत बड़ा, उससे शुरुआत की थी और अभी हम उस टावर से अभी हम यहाँ हैं, ऊंचे गए थे अभी यहाँ तो भाई देख लो कितना लंबा सफर रहा, मतलब खतरनाक हो गया। तो वेलकम, ये हमारी लास्ट वीडियो है यहाँ की, तो आप लास्ट वीडियो में आपका स्वागत है। और अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़े हैं जो कटरा का है, और हम अभी शाम की हमने टिकट ली है अमृतसर की। तो हमारे जितने भी मतलब प्लान था पहला कि हम जाएंगे कहीं शिवकोड़ी, हम शिवकोड़ी अब नहीं जा रहे क्योंकि भाई वहाँ पे जाने के लिए 85 किलोमीटर्स है, तो वहाँ पे जाएंगे तो एक दिन पूरा लग जाएगा और एक दिन का टाइम अभी बचा नहीं है अपने पास, हमको जाना भी है और दूसरी जगह। तो अभी क्या हम कर रहे हैं कि देखो ये सारे इधर खड़े हैं अभी, तो हम जो है ना अभी प्लान कर रहे हैं कि हम अमृतसर जाएँ, एक या दो दिन जो भी है अमृतसर रुके, वहाँ की सब चीज़ें आपको मैं दिखाऊँ। तो कटरा का ये लास्ट व्लॉग है, अगर आपने सारी वीडियोस नहीं देखी तो जाके पहले सारी वीडियोस देख के आइए क्योंकि बहुत अच्छी जगह है। कुछ मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं क्या करना है क्या नहीं करना, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। अभी मैं ट्रेन की तरफ जा रहा हूँ, तो चलिए चलते हैं। हम एस्केलेटर यूज़ करने वाले हैं, चलने वाला जिन्ना जैसे बोल देते हैं गाँव बस्ती में, और हेलीकॉप्टर। भाई साहब बहुत डर लग रहा, ये सामान बहुत डर लग रहा भाई। तो भाई अभी जो है देखिए काफ़ी लंबा है ये, जोर से बोलो जय माता दी, अब जाके प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाएंगे। तो भाई देखिए ऐसा है कि यहाँ की ना ये देखो पन यार सफाई इतनी है ना, इधर देखो पार्क वार्क भी है सारे ना, तो सफाई इतनी है कि मुँह दिख जाएगा नीचे, बहुत बढ़िया सफाई और बहुत ही तरीके से साफ किया गया। मुंह भी देख लो फर्क, तो आप क्या इस सफाई के बारे में आप पूरे देश को क्या बताना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ इससे मोटिवेट हो, इसे फॉलो करो, इतना अच्छा रेलवे स्टेशन बना रखा। बिल्कुल बिल्कुल, और जबकि बहुत से लोग ना, मेरे हिसाब से प्राइवेटाइजेशन बहुत बढ़िया चीज है, श्राइन बोर्ड जो है उसने इतना अच्छा काम कर रखा। अच्छा हाँ, देखो गवर्नमेंट हो गई रखी, और देख लो दिल्ली में चले जाओ, मुजफ्फरनगर में देख लो, तो भाई यहाँ देख लो, बिल्कुल देख लो। हाँ देखो रेलवे स्टेशन पर भी पार्क सा चाहे कहीं लेट जाओ, कोई दिक्कत इसमें आने वाली है नहीं। डस्टबिन में भी गिल्ले और सूखे का दोनों का रख रखा, चाहे देख लो गिल्ला कूड़ा भी और सूखा कूड़ा भी। अगर ऐसा हो ना तो भाई सही में भारत ना एक बहुत बहुत ही बढ़िया कंट्री तो है, पर वे और भी अच्छी हो सकती है। तो भाई अपना पूरा योगदान दें, साफ सफाई पे ध्यान रखें, ऐसे ही खा कर ना फेंक के, और चलते हैं। ये हमारा इधर एक डिब्बा आ गया और हमें इसमें ही बैठेंगे, ये VIP कोटे का डिब्बा आ गया हमारा, इसमें बैठते हैं और बस फिर मिलते हैं। भाई ये था वीडियो का एंड, तो कल से जो वीडियो करेंगे हम वो अमृतसर की वीडियो होगी। तो चलिए अभी के लिए हम बाय बाय कहते हैं, अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा।